अरबों के करोड़ों रुपए लेकर चिटफंड कंपनी फरार। ग्रामीणों ने चिटफंड कंपनी के संचालकों के खिलाफ डॉक्टर नजाकत आजम दाऊद के खिलाफ थाना क्षेत्र में लिखित तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। ग्राम बनेड़ा में उलिफ शाइन म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड कंपनी के नाम से 3 साल से चिटफंड कंपनी खुली हुई थी। रुपया दुगना करने के लालच में हजारों की संख्या में लोगों ने चिटफंड कंपनी में खाते खुलवा कर पैसा जमा किया था। सोमवार तक कंपनी खुली हुई थी तथा उसके कर्मचारियों के द्वारा पैसा भी इकट्ठा किया जा रहा था, लेकिन मंगलवार को सुबह कंपनी पर ताला लगा देख लोगों के होश उड़ गए। जुनैद सलीम, यकूब, रामपाल, सोहनलाल, नदीम, सचिन, मुस्तकिम, वाहिद, राकेश, विशाल, गौतम, संजीव आदि लोगों ने किरतपुर थाने में पहुंचकर थाना प्रभारी को तहरीर दी और डॉक्टर नजाकत आजम व दाऊद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। थाना प्रभारी ने जाँच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आज न्यूज चैनल के लिए मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अनवार अहमद। आप कहाँ रहते हैं? बनेड़ा। आपके पिताजी का नाम क्या? मोहम्मद यामी वो जिम्मा। बताइए आपको क्या कहना है? 20,000 रुपए की एफडी करी थी मैंने। बोलो। 20,000 रुपए की एफडी करी थी इन्होंने, जाकर डॉक्टर ने ये कहा तो जिम्मेदार हूँ मैं, क्या कहते मैं दूंगा पैसा, ये नहीं भाग इतनी है तो। अच्छा, तो फिर? फिर इन्होंने, मैं क्या कल आया तो इन्होंने कल ये कह दिया परसों ले लियो। अच्छा, फिर इसके बाद आज ये ताला मार के भाग गया। ताला मार के भाग गया। ये पता कब चला आपको? ये आज ही पता लगा हमें। फिर आप क्या चाहते हैं? हमें हमारे पैसे मिल जाने चाहिए, हम ये चाहते हैं। और क्या? हम आपके भाई क्या नाम है? मेरा नाम सत्यपाल है और मेरा इतना अमाउंट नहीं पड़ा हुआ यहाँ पर जितना लोगों का पड़ा हुआ, और मैं सुबह से खड़ा हूँ यहाँ पर यहाँ पर जो बिल्कुल सभी के सभी लोग हैं, आप हैं बहुत सारे क्षेत्र आ रहे हैं, खटाई है, उमरपुर है, जहांगीर वाला है, थोड़ा है, बसेड़ा है, सभी लोग आए यहाँ से लेन देन है। तो आप क्या कहना चाहते हैं बताइए आप? मैं ये कहना चाहता सभी का पैसा मिल जाए। आप किसी अधिकारी से मिले? बैंक के जो अधिकारी है कौन है आपका? यहाँ पर किसी संबंध नहीं हुआ बिल्कुल, वहाँ पर ये लोग गए और सबका ताला लगा हुआ है। जो प्रबंधक ताला लगा हुआ है कौन है प्रबंधक? डॉक्टर नजाकत है, सलीम है, याकूब है, और वहाँ के सब ये लोग गए वहाँ पर, सबके ताले लगे हुए हैं। ये लोग काम करते थे? ये लोग यहाँ पर कर्मचारी थे, ये लोग काम करते हैं, सभी लोग काम करते थे। तो आप फोन टैप की आप क्या चाहते हैं? अब मैं सर ये चाहता हूँ सभी लोगों का पैसा मिले, और मेहनत मजदूरी करने वाले सब लोग थे, किसी का हराम का नहीं था, सबका हलाल का था, मेहनत मजदूरी करके खाते थे। वो कहाँ है आईडी? ठीक है आपका। जी क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए। अरबाब हैदर। अच्छा बताइए आपका, आप क्या कहना है आपको? मैं जब से ये बैंक खुला है, जब से हमारा इतना खाता है, हम इसमें पैसा जमा कर रहे हैं। हाँ। ये हमारा खून पसीने कमाई अखीटी करके कल तक ये बैंक खुला था। अच्छा। आज जो हम पेमेंट निकालना है तो पता लगा बैंक बंद है। हमने कहा भाई बैंक क्यों बंद है, पता लगा कि ये तो फरार हो गए पैसा देके। अब जो हमारा खून पसीने का पैसा है ये लेके वहाँ से भाग गया है, ये तीन जनता खड़ी है, हमारा पैसा जो है ये दिलाया जाए। हम तीन एफडी है हमारी इसके अंदर। तो अब आप क्या चाहते हैं बताइए? अब हम चाहते हैं हमारा पैसा ये दिलाया जाए। ये हमारी योगी और मोदी से मांग है कि इन लोगों को फरार आदमियों को पकड़ के जेल में डाले और हम गरीब मजदूरों का गरीब का पैसा हमारे मिलना चाहिए। तो ये आपको सुबह पता चला है? हाँ, ये हमें सुबह पता लगा जब हम पैसा निकालना है। तो आपने इसके जो प्रबंधक थे यहाँ पे मौजूद है, डॉक्टर साहब थे यहाँ के, सिक्योरिटी थे, उनसे मालूम क्या क्या भाई? सिक्योरिटी साहब, डॉक्टर साहब का क्या नाम है? एक बोलिए। क्या नाम है उनका? डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर नजाकत। तो आप उनसे मिले, पूछा क्या भाई आप बैंक? वो हमें मिले ही नहीं, वो तो फरार होगा। उनके दुकान में ताला, उनके घर में भी ताला, हम तो घर भी हुई है और दुकान भी बंद है। ठीक है, तो आपके सब लोगों के खाते उसमें थे? हाँ जी, जी। और उन्होंने आपके साथ में इसका आपका कहना है धोखाधड़ी की? हाँ, धोखाधड़ी की हमारे सर। इन्हें बुला जाए, इन्हें बुला जाए यहाँ। तो आपने उसके बारे में कोई रिपोर्ट लिखाई जो खातेदार थे? अभी कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई। आप थाने गए थे? थाने भी जाएंगे, आप जाइए,
और ये आप अपने करना काम करिए, हमने तो अपना काम करना कर दिया है। जो आपकी विपदा थी, जो तकलीफ थी, आपको परेशानी हुई, आपको ठगा गया है, ये हम आपकी न्यूज जो है, ये हम आपका समाचार जो है योगी और मोदी तक पहुँच।